सो जो आपने थंबनेल में पढ़ा, जो आपने टाइटल में पढ़ा है, इट इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. आई हैड लॉस्ट वन मकाउ. मेरा एक मकाउ उड़ गया था. कौन सा मकाउ था? शायद आप उसे मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके होंगे. वो एक रेड फैक्टर हार्लेक्विन मकाउ था. उसके पीछे रीज़न क्या थी, क्या नहीं थी, एक्चुअली मैं उसे लाया था ट्रेनिंग के लिए, जो हमेशा मैं मेरे बर्ड को लाना चाहता था ट्रेन करने के लिए. और ड्यू टू सम रीज़न उस टाइम शायद दिन के 2 या 3 बज रहे थे. ऐसे ही स्टैंड पर उसको रख के मैं रिकॉल ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था. बट इनिशियली उसकी पहली फ्लाइट थी, पहली और दूसरी फ्लाइट थी, उसको एक अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मेरी तरफ आना. मैं इंडोर कर चुका था, पर आउटडोर उस टाइम मौसम बहुत ही कोल्ड था, कोस्टल एरिया था, हवाएं बहुत ज़्यादा थी. और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो यहाँ साइड में प्ले होती होगी. आप देख सकते हैं कि जैसा है बर्ड उड़ के आ रहा है, सडनली उससे थोड़ा सा डायरेक्शन उसका चेंज हो गया और एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से वो बर्ड उड़ गया. और आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी एक ट्रू बर्ड लवर है उसके सामने से अगर कुछ उसका बर्ड अगर जो उड़ता है, तो बिलीव मी, मतलब दिल गुर्दा कलेजी सब बाहर आ जाता है डर के मारे. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है. मगर हम लोग ने उसको ढूंढना स्टार्ट किया, लोगों से पता लगाने की कोशिश की, ये करने की कोशिश की. और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊँ, विद इन 24 आवर्स वो बर्ड उत्तन, जहाँ पर हम लोग नॉर्मली शूट करते हैं, उत्तन से गोराई बीच गया. जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको समझ में आया होगा, उत्तन और गोराई के बीच में काफ़ी डिस्टेंस. एंड इट इज़ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट. ये एक सिर्फ कोस्टल एरिया नहीं है, यहाँ पर बहुत एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जंगल है, तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है. बट अगेन वो बैठा था 20-25 फीट की एक हाइट पर. उसको नीचे लाना बहुत ही एक मुश्किल टास्क था. उसको नीचे लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए. किस तरीके से उसको लाया गया, मैं आपको एक शॉट दिखा दूंगा. वो बैठा था ताड़ के एक झाड़ पर. प्रॉब्लम क्या होती है, जब बर्ड, फॉर एग्जाम्पल मकाउस, जब चिक्स होते हैं ना, उनको असेंडिंग टेक ऑफ, मतलब ज़मीन से ऊपर टेक ऑफ करना आता है, डिसेंडिंग लैंडिंग नहीं आती. मतलब ऊपर से नीचे उनको लैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो फ्लाई करके नीचे आते हैं, अपनी बॉडी के वेट की वजह से, जैसे बड़े बर्ड्स होते हैं विंग्स को फ्लैप करके स्लो से नीचे उतरते, पर ये छोटे बर्ड को नहीं आता. बट लकीली मेरी और बर्ड की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, उसने मेरे कमांड पे वो करके बातें सुन के वो बर्ड एटलीस्ट उसने जंप मार के मेरे पास आया. बट इट टुक मी 24 आवर्स, मतलब एक दिन शाम के 4 बजे से दूसरे दिन शाम के 5 बजे हम लोग ने बर्ड को ढूंढा. वो बर्ड एक रात अकेला रहा एंड सरप्राइजिंगली ही इज़ वेल नाउ. और लकीली हमने एल्सा को फिर से वापस लाया. और मेरा आज का वीडियो बनाने का और ये बताने का मकसद यही था कि इनकेस ये इमरजेंसी, ये इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकती है. मैं जब इसको प्रोफेशनली इसको ट्रेन करता हूँ बर्ड को, मुझे पता है ये रिस्क है, ठीक है, बट वो रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है. और उसके बाद इनकेस अगर आपका बर्ड उड़ जाता है या मिसिंग होता है, तो आपको क्या करना है और किस तरीके से एल्सा को, जिस तरीके मैंने 24 आवर्स के अंदर इसको हम लोग ने स्पॉट किया, स्पॉट करके इसको हम लोग ने रिकवर करा, और फाइनली शी इज हेल्थी एज यूजुअल. सो मिसिंग बर्ड को रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, सबसे पहले आपको बर्ड को स्पॉट करना है, मतलब एटलीस्ट आपको जानना है कि बर्ड किधर है, ठीक है. उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, जहाँ से भी बर्ड मिसिंग हुआ है आपको आसपास की लोकेलिटी के, क्योंकि क्या होता है, देखिए दीज आर चिक्स, और चिक्स या 7 या 8 महीने के जो बर्ड्स होते हैं वो एट अ टाइम है ना लंबी फ्लाइट नहीं ले सकते. वो हार्डली 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ही वो उड़ते हैं और थक के बैठ जाते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सारे से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करना है कि ये बर्ड मिसिंग हो गया है, ठीक है. इसके लिए आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सअप हो, या आपको पर्सनली जाके सबको इन्फॉर्म करना है, ठीक है. मेरे हिसाब से मैंने यही किया था, सारे से ज़्यादा लोगों को पर्सनली इन्फॉर्म किया था व्हाट्सअप पर, वो करना. देखिए लोग आपकी ज़बरदस्ती में या फ्री में ना हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड सिस्टम रखना बहुत ज़रूरी है. जैसा मैंने यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं उनको बोला था कि आप अगर ये बर्ड की कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे, सो उनको हम लोग रिवॉर्ड देंगे इन टर्म्स ऑफ XYZ, कैश हो गया, कुछ भी हो गया. मुझे दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे यहाँ के लोकल पर फोन आया था कि आपके मुझे लोकेशन बताइए. सो हम लोग दूसरे दिन सुबह उठकर वो ये बर्ड को ढूंढने के लिए निकले, बट अनफॉर्चुनेटली
जब तक हम लोग वो लोकेशन पर पहुंचे थे, बिकॉज माई होम एंड दिस लोकेशन इज ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर से, जब तक पहुंचे इसका लोकेशन चेंज कर ली थी, बट मुझे एक आइडिया आ गया था कि एटलीस्ट बर्ड को यहाँ दिखा गया है, तो मैं अपनी सर्च उसके नियर बाई एरिया या लोकेशन में थोड़ी एक्सपांड कर सकते हो, देख सकते हो। नंबर 3, आपको प्रेडेटरी बर्ड्स जैसे कौवे और चील, आपको उसके झुंड पे ना बहुत नज़र रखनी होती है। इसके पीछे रीज़न, जितने भी प्रेडेटरी बर्ड्स हैं, चाहे वो चील हो कौवे हो, ये कलरफुल बर्ड्स पे सबसे पहले अटैक करते हैं और उसके पीछे झुंड बना के भागते हैं। तो आप नियर बाय एरिया में आपको देखिए कि कौवे का कोई फ्लॉक या झुंड कहीं दिख रहा है जो एक जगह जमा है, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि वो कौवे का झुंड या चील का जो झुंड है ना, वो आपके बर्ड के पीछे पड़ा होगा। सो ऑलवेज लोकेट करिए कि प्रेडेटरी बर्ड्स का फ्लॉक एक साथ कहीं जा या एक साथ कहीं चक्कर मार रहा है। अब ये तो एक पार्ट हुआ कि बर्ड का आपको ट्रेस और स्पॉट कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार एक बार बर्ड आपको दिख गया तो हम उसको आराम से उसको रिकवर कर लेंगे। नहीं, देखिए बर्ड जब खुद से फ्लाई करता है या आपके पास से उड़ जाता है, आपकी कैप्टिविटी से निकल जाता है, उसके पीछे बहुत सारे उसके दिमाग में ना प्रोसेस चलता है, घर ढूंढता है कि मैं जहाँ पला बड़ा मैं जा रहा था वो जगह मेरे को जैसी लगी नहीं रही, तो वो हाईली स्ट्रेस में आता है। नंबर 2, उसके पीछे बहुत सारे प्रेडेटरी बर्ड जब पीछे पड़ते हैं तो उसको अपनी जान का भी खतरा होता है, तो उसको समझ नहीं आता, तो वो कोई भी डिसीजन ले लेता है, वो कहीं भी फ्लाई कर लेगा, कहीं डर के छुप जाएगा। तो जब वो स्पॉट आपने बर्ड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्ड आपके पास ज़रूर आएगा। तो बर्ड को जब आपने स्पॉट कर लिया, आप एटलीस्ट अब ये करिए कि आपके 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक आदमी हमेशा बर्ड पर नज़र गड़ा के बैठे, क्योंकि क्या होता है हवा चल रही है, फिर कोई कौवा आएगा, फिर वो कहीं से उड़ के भागेगा, तो बर्ड को अपनी साइट में रखना, अपनी नज़र में रखना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। नंबर 2, बर्ड को उसके फेमिलियर चीज़ें दिखाइए, फॉर एग्जांपल उसका फूड बाउल, उसका सिरिंज जिससे आप उसको हैंड फीड कराते थे, या वो बर्ड के साथ में रखे जाने वाला कोई दूसरा बर्ड, चांसेस आर वेरी हाई ये सब चीज़ें देख के बर्ड आपको रिस्पॉन्ड करेगा और बर्ड आपके पास आएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, एल्सा एक ताड़ के झाड़ पे बैठी थी और शी वॉज हाईली स्ट्रेस, वो मुझे रिस्पॉन्ड तो कर रही थी बट वो मेरे पास आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको चील कौवे ठंडी, और वो एक रात पूरी उसने अकेले निकाली, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिस्पॉन्ड मुझे कैसे करे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसका जो खाना खाती है वो बाउल, वो सिरिंज और ट्रेनिंग स्टैंड, जो ये टू स्टैंड है, तो हम लोग ने वो नारियल के पेड़ के नीचे हमने ये सारी चीज़ें रखी, जिसको देख के एल्सा को थोड़ा सा ट्रस्ट वापस से बिल्ड होने लगा और वो अपनी फेवरेट चीज़ों की तरफ नीचे उतरी। जब वो एक मतलब जहाँ तक मैं पहुँच सकता था वहाँ तक जब आई, तब मैंने एल्सा को रिकवर करा। उसके बाद आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये बर्ड रात में 24 घंटा बाहर था, इसको मैंने थरली चेक किया इसके विंग्स को कि कोई ईगल या क्रो ने इसको जख्मी या इंजर्ड तो नहीं किया था, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा बात दिया सो दैट मैं देख सकूँ अंदर अंदर के इसको स्क्रैच तो नहीं आए थे, बट शी वॉज एक तो इतनी बड़ी जायंट साइज की है, चील ने कोशिश करी, कौवे तो डर के इसके पास आए नहीं, मगर अगर सोचिए अगर आपके पास कॉर्नियर कॉकटेल या ऐसे छोटे बर्ड होते तो वो ज़्यादा डेंजरस होता। तो आपको इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर काम करके आप अपने बर्ड को भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बात बोलना चाहूँगा, डिस्पाइट हम लोग ये काम प्रोफेशनली करते हैं, बट ये बहुत डेंजरस होता है इसको आउटडोर फ्लाइट करवाना। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तनवीरा क्या ज़रूरत है, आप क्यों कराते, मगर मुझे पता है ये एक रिस्क है, ठीक है, मगर एक मैं चाहता हूँ कि इंडिया में केज फ्री बर्ड्स की जो शुरुआत हो, बर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, ना कि केज में उनको विंग्स काट के फिर उनको टेम बोला जाए कि देखिए कितना अच्छा टेम है। तो ये थोड़ा सा रिस्क था, मैंने लिया और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, डिस्पाइट मैं ये काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ या थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट हूँ, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। मैं ये नहीं चाहता खुदा ना खास्ता आपका कभी बर्ड के साथ ऐसा हो, बट देखिए ये सब चीज़ें कभी भी किसी के साथ हो सकती है, तो इन चीज़ों का सहारा टेक्निक लेके आप भी अपने बर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ परसिस्टेंस, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, थोड़ी टेक्निक यूज़ करनी है, एंड यू नीड लॉट्स ऑफ लव कि आप बर्ड्स को इतना प्यार करते हैं कि बर्ड्स के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ,
थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक द वीडियो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच.